हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो आज हम देखने वाले लाइक HTML के बेसिक कोड्स हम देखने वाले हैं। तो लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन किया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वहाँ पे देखो कि HTML के लिए हमको क्या क्या लगता है, कौन सा आइडिया हमको यूज़ करना चाहिए कोड करने के लिए, एंड बेसिक इंट्रोडक्शन वहाँ पर मैंने कवर किया। ओके, तो आज हम देखेंगे, आज मैं कोड बनाती हूँ यहाँ पर HTML का, दैट इज़ बेसिक कोड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्टली टैग्स हम जो यूज़ कर रहे हैं ना, हेड टैग, बॉडी टैग, वो क्या है वो आज हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML है। तो डॉक टाइप HTML मतलब क्या रहता है कि इट इज़ अ डॉक डॉक टाइप मीन्स वॉट डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, जो हमको स्पेसिफाई करेगा कि वर्जन ऑफ HTML, मतलब हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं उसका वर्जन क्या है। एंड एग्जाम्पल HTML 5, 4, लाइक दैट। तो ये हमको इंडिकेट करेगा कि ये हम HTML 5 में है करके। ओके, देन नेक्स्ट हमको मिलेगा कि लैंग्वेज, दिस इज़ नथिंग बट हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, राइट? तो वो लैंग्वेज डिफाइन करता है, मीन्स वॉट वी कैन से, ओके, विच विल स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना, उसका कौन सा लैंग्वेज है, विच इज़ इंग्लिश। अभी यहाँ पे तो इंग्लिश है, राइट? तो कौन सा रहता है वो स्पेसिफाई करता है। फॉर दैट वी यूज़ दिस। देन हमारा हेड टैग इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हेड टैग क्या करता है? यहाँ एक तो हेड टैग में कैसे रहता है कि यहाँ पे हेड टैग में ओपनिंग टैग एक रहता है ना, यहाँ पे जो हम फॉरवर्ड स्लैश दे रहे हैं ना, फॉरवर्ड स्लैश एक क्या है हमारा क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग रहेगा ये हेड टैग में। ओके, एंड हेड टैग क्या करता है? इट विल कंटेन द मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है ना, उसका मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेंट, मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, इट विल कंटेन द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, सच एज कैरेक्टर सेट्स, व्यू पोर्ट सेटिंग एंड एंड द डॉक्यूमेंट्स टाइटल एंड ऑल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर्स, देन व्यू पोर्ट सेटिंग है, देन डॉक्यूमेंट्स, ऐसे दैट विल कंटेन द हेड टैग। ओके, मीन्स मेटा कंटेंट, यू कैन से मेटा कंटेंट। ओके, देन कैरेक्टर UTF-8 यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट? तो ये क्या रहेगा, तो आप कमेंट कर सकते हो क्या क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो मेटा है ना, हमारा मेटा मेटा सेट जो है ना, मेटा सेट क्या डिफाइन करता है? ओके, इट विल डिफाइन द कैरेक्टर सेट यूज इन द डॉक्यूमेंट। ओके, मतलब इस डॉक्यूमेंट में हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हमको वो डिफाइन करेगा। यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, UTF-8 यूज़ कर रहे हैं, राइट? जो सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस। ओके, सो वी यूज़ दिस UTF-8। देन नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट है हमारा टाइटल। तो टाइटल तो आपका पता रहेगा कि जो हम मेन कोड यहाँ पे लिखते रहे, तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है मेरा टाइटल, वाई टाइटल इज डॉक्यूमेंट, राइट? सो लेट मी रिफ्रेश वंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, तो वही हमारा क्या रहता है, टाइटल रहता है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम टाइटल क्यों यूज़ करते हैं। ओके, और मेटा टैग्स में हम दूसरे टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, मैं अभी मेटा यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, मतलब हम जो कुछ वेबसाइट बन ले उसका डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे दे सकते। देन मेटा कीवर्ड्स भी है हमारे, तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजोन है, तो अमेजोन को मैं अमेजोन ऑनलाइन को मैं अमेजोन टेस्ट एंड ऑल ऐसे दे सकते हैं। मतलब जब हम सर्च करते हैं ना, तो ये डिस्क्रिप्शन में कुछ भी कंटेंट है ना, उसको मैच हुआ तो हमारा जो वेबसाइट है ना, वो फ्रंट में आने के लिए ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल में सर्च करते हैं, राइट, कुछ भी सर्च करते हैं तो फर्स्ट आता है, राइट, फर्स्ट लिंक आता है। तो किसकी वजह से आता है, जो हम डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं ना, उसकी वजह से वो आगे आता है। ओके, सो दिस मीटा जो इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना, कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि मेटा टैग्स क्या है। देन बॉडी, बॉडी तो हमारी मेन रहेगी, जहाँ पे हमारा पूरा कंटेंट्स आएगा। फॉर एग्जांपल हम कौन से एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से टैग्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो सब कुछ हमारा इमेजेस कौन से हम यूज़ कर रहे हैं, एंड अदर अदर थिंग्स हम जो यूज़ करते हैं हमारा वेबसाइट बनाने के लिए। तो मेन कंटेंट हमारा कहाँ पर आएगा, बॉडी में आएगा। ओके, एंड और एक बात मैं आपको बोलूँगी कि हेड टैग में हमारा एक्सटर्नल फाइल्स भी आते हैं, लाइक स्टाइल CSS, बूटस्ट्रैप एंड ऑल, वो भी यहाँ पे आता है। ओके, देन ये हमारा यहाँ पे बॉडी ओपनिंग टैग है, देन यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं यहाँ पे H1 टैग दे रही हूँ, तो यहाँ पे H1 क्यों नहीं लिया इसने, ओके H1 टैग है। तो यहाँ पे मैं lorem20 करती हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? तो ये सब कुछ कंटेंट हम डालते हैं। फॉर इमेज डालना है तो इमेज भी डाल सकते हैं। सब कुछ कहाँ पे आएगा, बॉडी टैग में आएगा। सो बॉडी टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेन पार्ट तो बॉडी रहती है हमारी।
देन लास्ट का हमारा क्लोजिंग एचटीएमएल टैग है जो हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है, और वी कैन सेट द एंड ऑफ द एचटीएमएल कोड। ओके, इस कोड का एंड ऑफ द एचटीएमएल कोड क्या रहेगा? फॉरवर्ड स्लैश एचटीएमएल। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मतलब मेन स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई कैन से, लाइक मेन हमारे एचटीएमएल कोड का वर्किंग, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ मैंने अभी आपको बोला है, लाइक हेड एंड बॉडी क्या है वो सब कुछ। ओके, तो कौन सा भी समझो आप एचटीएमएल पेज बना रहे थे उसमें सारे जहाँ पे अभी जो मैंने टैग्स बनाए हैं ये टैग तो इंक्लूड होने ही होने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा बेसिक कंटेंट। तो अभी ये भी देखेंगे कि हम कमेंट कैसे करते हैं एचटीएमएल में। समझो आपको कमेंट वगैरह करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट दिया। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, एक तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अनकमेंट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट, डबल फॉरवर्ड स्लैश वर्क होता है, राइट? यहाँ पे नहीं वर्क होता है, तो यहाँ पे हमको करना है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। नहीं तो और एक टाइप है, क्योंकि मैं इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती हूँ ना, तो आई गेट कन्फ्यूज कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, राइट? सो मैं ट्राई करके आपको बोलूँगी। तो ये भी यहाँ पे नहीं वर्क होता है। ओके, तो यही वर्क होता है, दैट इज़ फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हो कमेंट यहाँ पे वर्क होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे कमेंट का। और एक बात मैं आपको बोलूँगी कि HTML केस सेंसिटिव है क्या? तो इट्स नॉट केस सेंसिटिव। समझो आप मैंने यहाँ पे H1 यूज़ किया तो H1 भी यूज़ हो जाएगा, समझो मैंने कैपिटल H1 यूज़ किया तो कैपिटल H1 भी हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी हमारा आउटपुट, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सब कुछ लिखा है कैपिटल H1 में लिखा है, ये जो लिखा है स्मॉल H1 में लिखा है। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड जब हम कोड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड कोई भी बोलता है कि आप जो स्मॉल रहता है ना वही यूज़ करो, लाइक H1 H2 वट एवर इट इज़ स्मॉल रहता है वही यूज़ करो, ये बड़े वाले मत यूज़ करो, जिस बड़ा बड़ा थिंग्स है ना उसको मत यूज़ करो। ओके, तो यही ठीक है यूज़ करने के लिए। तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक, मैंने आज जो बोला है पूरा बेसिक है, लाइक मेन हमने HTML के बारे में बोला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करने का, लाइक बेसिक स्मॉल वेबसाइट है क्या। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा हमने कुछ बनाया है, कुछ नहीं बनाया, लेकिन बेसिक हमने सीखा है। ओके, तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो। सो गाइज, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा तो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, एंड गाइज कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू। एंड आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करोगे ज़्यादा तो हमारे 5K टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा, राइट? सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज, कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू।